बिग बॉस के 12वें सीजन की शुरुआत से ही मास्टरमाइंड का टैग हासिल करने वाले रोमिल चौधरी टॉप 4 फाइनलिस्ट्स में से एक रहे और वो इस बात से बेहद खुश हैं कि उन्होंने घर के अंदर इतना लंबा सफर तय किया और वो इसे एक अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। वेल, आपको बता दें कि रोमिल चौधरी सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं और रोमिल के अलावा कोई और भी है उनके परिवार में जो सलमान खान को बेहद पसंद करते हैं। और इसका खुलासा फिनाले की रात को हुआ जब स्टेज पर सलमान खान से रोमिल चौधरी ने एक खास फरमाइश की। दरअसल रोमिल ने तबंग खान से बीइंग ह्यूमन ब्रेसलेट को अपने पापा को बांधने की अपील की। वहीं सलमान भी रोमिल के कहने पर ऐसा करने के लिए तैयार हो गए और इस मौके पर रोमिल की आंखें नम होती हुई नजर आई। सलमान ने उनके पिता के हाथों पर ब्रेसलेट पहनाया और इस दौरान उनके पिता ने सलमान खान का हाथ भी चूमा। इस बात में कोई शक नहीं है कि घर के अंदर रोमिल का सफर बेहद ही शानदार रहा। घर के अंदर हैप्पी क्लब की नींव रखने वाले रोमिल चौधरी ही थे। घर के अंदर रोमिल के खास दोस्तों की अगर बात की जाए तो उनमें दीपक ठाकुर और सोमी खान का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन इस दोस्ती के रिश्ते में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिला। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रोमिल ने घर से बाहर आने के बाद उस बात पर अपना स्पष्टीकरण रखा है, जिसके तहत जसलीन ने कहा था कि सोमी रोमिल के प्यार में है। इस बात को स्पष्ट करते हुए रोमिल ने कहा कि उन्होंने ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया और ना ही वो इतने हैंडसम है कि लड़कियां उनसे प्यार करें और वो एक शादीशुदा आदमी है। वो कहते हैं कि हमारी दोस्ती बेहद ही पवित्र रही और अगर कोई हमारे रिश्ते पर सवाल करता है तो ये उनका अपना ओपिनियन है। वो हमेशा सोमी के साथ अपनी दोस्ती निभाएंगे। गौरतलब है कि जब घर के अंदर रोमिल की पत्नी सोमी की बहन सबा आई थी तो उन्होंने इस ओर इशारा किया था कि इनकी दोस्ती बाहर कुछ अलग ही नजर आ रही है। रोमिल का इस बारे में कहना है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। बता दें कि रोमिल ने अपने एक साक्षात्कार के दौरान ये भी कहा कि टॉप 2 में 2 ऐसे सदस्य मौजूद हैं जिनमें से कोई भी जीत जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेल, रोमिल आज एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं और उनकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग भी हो चुकी है।